हे गाइस नमस्कार सत श्री अकाल और जय श्री राम। तो पता रहो फेसबुक नामक यूट्यूब चैनल में। तो ये 2020 अर्थ के लिए बहुत ही बुरा जा रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी और प्लेनेट पे इससे भी ज़्यादा खराब कंडीशन हो, तो अब स्पेस की दुनिया में चलते हैं, मतलब वीडियो को शुरू करते हैं। K2141b एक्सोप्लैनेट। साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है कि अर्थ साइज एक एक्सोप्लैनेट है जिसमें रॉक्स की बारिश होती है और ओशन में हाई अमाउंट में लावा फ्लो होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पता चला है कि लावा ओशंस लगभग 60 माइल्स या 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डीप हैं और सुपरसोनिक विंड्स की स्पीड 3100 माइल्स पर आवर या 5000 किलोमीटर पर आवर है। इस प्लैनेट का सरफेस, ओशन एंड एटमोसफेयर बने हैं सेम इन्ग्रीडियंट जिसका नाम है रॉक। ये वाला नहीं, ये वाला। साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट के रॉक वेपर एटमॉस्फेयर को कंपेयर किया है अर्थ के वाटर साइकिल से। एक्सट्रीम हीट के कारण रॉक एवोपरेट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर कंडेंस होकर रॉक्स की फॉर्म में रेन करते हैं। नाइट टाइम पे इस प्लैनेट का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और डे टाइम पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना टेम्परेचर काफी है किसी भी रॉक को मेल्ट करने के लिए। तो ये प्लैनेट ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि K2141b प्लैनेट एक्सप्लेन कर सकता है अर्थ के पास्ट को। सारे रॉकी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ सभी की शुरुआत मोल्टन वर्ल्ड से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कूल होके सॉलिडिफाइड हो गया। जितने भी लावा प्लैनेट्स हैं वो एक जरिया है प्लैनेटरी इवोल्यूशन के बारे में जानने का। तो लौंडो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। तो गाइस अब स्पेस की दुनिया से बाहर निकलते हैं और वापस अर्थ पे चलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।